अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा इकबाल। और कभी कभार आपको पर्ल्स ऑफ विजडम यानी कुछ अकवाले ज़रिए चलते चलते मिल जाते हैं। आज जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो एक बस मेरे सामने जा रही थी और मैंने गौर किया तो उसके पीछे लिखा हुआ था कि लोग ज़िंदगी के ताकुब में इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। आई डोंट नो, सारा फ़लसफ़ा मुझे लगता है कि रोड विजडम पे और यू नो बसेस पे और ट्रक आर्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अमूमन हम कहते हैं कि जी जब एजुकेशन के हवाले से कोई भी डिस्कशन होती है तो वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आउट ऑफ स्कूल, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड मसाइल कि उनकी क्वालिटी क्या है, टीचर ट्रेनिंग क्या है, क्या इतने स्कूल और वसाइल मौजूद हैं, गवर्नमेंट का इस पर क्या रुख और क्या एक यू नो एक आइडिया है, दैट बिकम्स इन फोकस। और सारी की सारी मुझे लगता है डिस्कोर्स ये टेक ओवर कर जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू लुक एट द हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, यानी द नंबर ऑफ पीपल हु हेड फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, वो अपॉलिंग नंबर है। यानी हमारी आबादी जो कि 70% नौजवानों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर हार्डली 5 से 10% लोग पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ जा रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ वसाइल कम हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कम हैं, और साथ साथ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है कभी कभार उनकी जो फ़ीस है, उनका जो क्राइटेरिया है, नंबर वन वो लोगों की आम लोगों की दस्तरस से बाहर होता है, लेकिन दूसरा ये भी कि उनकी तादाद भी कम है। अगर हम एक मुआवजना करते हैं पाकिस्तान की हायर एजुकेशन सिनारियो का, सो वी आर वर्स देन सब सहारन अफ्रीका एंड दैट शुड बी एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन जी ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। अगर आप देखें हमारे स्टूडेंट्स जिनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला बचाते हैं बिकॉज दे गो टू फार फ्लंग कंट्रीज़ एंड दे गेट स्कॉलरशिप्स और वो वहाँ पे स्किल्स भी सीखते हैं, वहाँ पे काम भी करते हैं, एक्सपर्टीज़ लेके कई लोग कई दिहाइयों सालों के बाद पाकिस्तान वापस आके सर्व भी करते हैं। बट व्हाट इज़ द डायरेक्शन दैट हायर एजुकेशन शुड बी टेकिंग इन पाकिस्तान, आज की हमारी यही डिस्कशन होगी। एंड आई हैव अ वंडरफुल गेस्ट टू टॉक अबाउट दैट। ही ऑफ कोर्स हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन विद अ तमगा इम्तियाज़। इसके अलावा आप प्रेजिडेंट हैं रूट्स मिलेनियम एजुकेशन ग्रुप के, और हाल ही में हम देखते हैं कि कराची में लॉन्च की गई है द मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज़ फोकस्ड ऑन 3 एरियाज, जिसमें फैशन एंड डिज़ाइन है, कंप्यूटर साइंसेज है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव बिजनेस स्टडीज। सो हाउ डू यू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर फॉर टुमारो, व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ हायर एजुकेशन, आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल मुश्ताक तमगा इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू सी यू। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर इन कराची एंड व्हाट वंडरफुल न्यूज। मुझे प्लीज बताइए कि मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल सेट टू वेलकम इट्स फर्स्ट क्लास, आप कब से, व्हेन आर यू होपिंग टू वेलकम द फर्स्ट बैच? थैंक यू। मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज आवर गिफ्ट टू द नेशन एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड द सिटी ऑफ कराची। So we have been associated with education, teaching and learning से 35 साल से हम मुंसलिक हैं पाकिस्तान में, और एक मखसूस तादाद खसूसन जो बच्चे स्कॉलरशिप्स पे, जैसे आपने मेंशन किया, दे वेंट टू हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, प्रिंसटन, MIT, और उसके बाद बच्चे टर्किश यूनिवर्सिटी, बिल्कन, सबांची, मीतू, एंड दे वेंट टू यूनिवर्सिटीज़ इन शंघाई, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। सो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे दुनिया में, इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट, फार ईस्ट एंड यू नो यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया, हमारे इदारों से जाते हैं। तो हमने रियलाइज़ किया कि देर इज़ अ जेन्युइन एपेटाइट फॉर यंग पीपल टू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान हायर एजुकेशन हैज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी, बट वेर एज आई डू फील कि वी डोंट जस्ट वांट जॉब सीकर्स, वी वांट जॉब क्रिएटर्स। एंड द इन एनी डेवलपिंग कंट्री जो मेन मसले होते हैं, इफ़ यू लुक एट द SDGs, जो हमारे 17 गोल्स हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पावर्टी एलिवेशन, अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज, इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इकोलॉजी, डेमोक्रेसी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, डिग्निफाइड हाउसिंग। लेकिन फैसल मुझे बताएं कि यू आर एब्सोल्युटली राइट टू रिकॉग्नाइज, जैसे हमने कहा कि एक गैप फॉर हायर एजुकेशन, नीड फॉर यू नो न्यू एज थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेटिव अप्रोच होनी चाहिए।
35 साल में एंड आई नोटिस के बोथ द ग्रुप्स दैट यू रन दे आर कॉल्ड मिलेनियम. तो मुझे बताएं, अक्सर लोग ये एक क्रिटिक उनकी होती है कि हम अभी भी पिछली सदी का कोर्स सिखा रहे हैं आने वाली सदी के नौजवानों को. तो आप मुझे बताएं कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि एट द रूट्स ग्रुप यू हैव एन एम्फेसिस ऑन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यू एम्फेसाइज ऑन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस. इसके अलावा और क्या तरीके हैं टू प्रिपेयर दिस जनरेशन फॉर टुमारो? देखिए, वी रियलाइज दैट द रियल बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान इज क्रिएटिंग यंग पीपल, those who could be critical thinkers and problem solvers. So that for that you need an enabling higher education ecosystem jahan pe incubation ho, jahan pe industry academia connectivity ho, jahan pe national and foreign mentoring ho bachchon ke liye. To abhi jo hamari teen faculties hain, faculty of computer science and engineering and business and entrepreneurship and faculty of fashion and design. So Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship is chartered by the government of Sindh and recognized by the Higher Education Commission Pakistan. Dr. Huma Bakai, she has joined us as the first rector of this outstanding university. The university is based in Kurangi Creek and it is equally distant for all the students across Karachi. The entire focus is to help shape, groom and inspire them to be able to create jobs and to be able to, because we feel that Pakistan's industrial mix is lacking industrialization. Absolutely. यहाँ पे industry की कमी है. अभी भी जो transfer of technology है वो नहीं है. Agrarian mix के अंदर भी अभी भी hybrid technologies नहीं है. And the world today is, अभी भी आप देखें कि जो countries की positioning है, geo strategic positioning, वो geo rental से move हो रही है. That you are not able to negotiate much with your region and neighbor because of the advancement in technology and artificial intelligence. Achha, Faisal, you yourself have, you know, have tremendous exposure. Mujhe pata hai ki aapne World Economic Forum pe and various, you know, places, platforms of substance, think tanks, wahan pe you noticing the trends of the world. Ek MIT ki study aayi thi jisne kaha ki the country and the population the size of Pakistan, the only way we can actually have sustainable growth and growth in general is through manufacturing. तो जब हम बात करते हैं कि हम जॉब क्रिएटर्स क्रिएट करना चाहते हैं, why is the scale always very small? Why are people only looking at probably tech-based financial solutions or other solutions? कि चलो इसकी ऐप बना देते हैं, ये स्टार्टअप कर लेते हैं. Eventually आपका जो हायरिंग एंड जॉब क्रिएशन साइज होता है वो बहुत छोटा होता है. आप ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 लोग, बहुत आपने तीर मारा तो आप 500 लोगों की टीम बन जाते हैं. लेकिन हम हाई स्केल मैनुफैक्चरिंग की तरफ कैसे जाएँ? देखिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सेस टू ह्यूमन कैपिटल नहीं है, एक्सेस टू इक्विटी एंड फाइनेंशियल कैपिटल भी नहीं है. कौमें इंडस्ट्रियलाइज्ड कौमें मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए डेवलप करती हैं. अब पाकिस्तान बीइंग द फोर्थ लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, अभी भी हम बटर और चीज़ जो है वो इम्पोर्ट करते हैं. अब यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ अ यार्न, यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ अ डेनम, लेकिन फिर भी हम फॉरेन जीन्स पहनते हैं. लुक एट द क्वालिटी ऑफ अ लेदर, बट लुक एट द प्रोडक्ट. सो universities today, they do need to have a research mindset, they need to have a enabling culture of preparing young people to be able to not only shape the future but impact the future by able to do things. Wo jo United Nations ka framework hai, learning by doing, learning by living together and learning by collectively feeling the responsibility. So our focus is that we don't want to churn up graduates, those who are just making up a CV and waiting for a job interview. We genuinely want them to understand and feel for the opportunities. Some of the challenges that we think they are the opportunities for the young people of Pakistan. Achha, you're doing your bit as academia. Mujhe ye bataiye ke from the policy makers to create that enabling environment, and more importantly from the corporate sector, from the practitioners, aapko kya support chahiye? Aap kya recognize karte hai ki gap kahan pe aata hai? I think industry needs to support universities in a very different way. Yeah. Jo hamari jo traditional raaye ki ji MOU sign kar diya humne, and then we have having just a dialogue and a discussion, because Pakistan likes to talk. We have a talking culture, that is the Indus Valley civilization. So we universities now, corporate sector needs to reach out. Like recently I had a meeting with the president and CEO of the GS Bank. He was very clear. He said, my biggest challenge is compliance, and my challenge is assurance, compliance and regulatory assurance. Yeah. So he said that like in the past, IBA has set up good initiatives
with I think Bank of America or Standard Chartered. So employers should encourage universities that look, this is what is our genuine need and desire and our most pressing expectation from young graduates. Absolutely. And then us niche ko academia mein us faculty ke saath incubate kare, bridge kare aur unki capacity build kare. Textile industry ko bhi ye karna chahiye, tech industry ko, telco ko ye karna chahiye, fintech ko ye karna chahiye. To is and public sector ko bhi ye karna chahiye. That abhi jaise hamara Pakistan ka bhi dekhi na, abhi we are talking about lawfare. Abhi to hybrid and kinetic and warfare has gone to the lawfare. So sabse badi cheez hai, we need young people to understand international law. Exactly. And then how do we show compliance to the international law? Because and ESG and other subjects are becoming increasingly more important. Achha, ek cheez Faisal, jo humare saamne is wakt statistics aa rahe hain. There was a time we used to take pride in the fact ke humare mulk bahut zyada doctors and engineers ko produce karta hai. Back in the 90s, hum 7th largest engineer producing nation the. Iske ilawa kaha jata tha ke parents hi yehi kehte hai, agar padhaku bachcha to ya doctor ban jaye, engineer ban jaye. That somehow reversed in the last decade. और इस वक्त हम देखते हैं कि the total number of doctors and engineers produced is still less than the number of business graduates we have, चाहे वो BBA हो या MBA हो. आपको लगता है कि BBA और MBA करने वाले बच्चों को सही skills दिए जा रहे हैं? Why is it that once they have completed their MBA, they're still looking for jobs rather than becoming job creators? Exactly, जी, very very well said. वो एक mindset है कि जी मैं business करूँ, पढ़ूँगा और बिजनेसमैन बनूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा. ये वी डोंट नीड डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड वी शुड नॉट डू प्रोफेशन शेमिंग. हाउएवर वी नीड टू इनकरेज यंग पीपल. द चेंज व्हिच हैज कम थ्रू स्कूल्स लाइक अस इज थ्रू काउंसलिंग एंड इज थ्रू करियर काउंसलिंग पाथवेज मेंटरिंग. आई मीन आई रिमेंबर मेनी इयर्स अगो, 10 years अगो, सिद्रा यू यूज्ड टू कम एंड यू रियली इंस्पायर्ड यंग पीपल अक्रॉस आवर कॉलेजेस about professionals and about career choices. And I meet a lot of my alumni and they tell me that, sir, we remember the moment Ma'am Sidra came and she told us to be, you should be able to do those. It was a program in collaboration with British Council. I think we did one with a financial institute as well, actually encouraging ke khawateen ko bhi ek mindset hai na ke they're not good with numbers, wo financial professions bana hai, financial literacy pe bhi aap ko exactly. So there's a lot of career counseling, there's a lot of coaching, there's a lot of self reflection and self actualization. And thanks to the digital age and Facebook, Instagrams, young people are thinking, you know, there's a recent survey, students from universities, they're very choosy about what they want to do. Yes. Some say we don't want to work for a tobacco company because it is harming the society. Some say we don't want to work for a particular company because it is damaging the ecosystem. Some say we don't want to work for this company because it has certain limitations in terms of the biomix. So students are becoming socially, morally very conscious of their responsibility towards the society and state. Was my final question, Faisal. How have you been able to inculcate that? मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं the skills for tomorrow, उसके अंदर आपका जो navigating compass होगा वो आपके ethics हैं. How are you able to make your students, you know, have that independent mind to ask these questions and to be so socially aware? Aur ethics aapke khayal mein hamare curriculum ka hissa hai bhi ya nahi, hamari tarbiyat ka hissa hai bhi ya nahi? Bilkul ji, dekhiye ethics, dekhiye values, citizenship and ethics, they have to be embedded. True. It's not a taught curriculum, it is always an embedded curriculum. So if you have that embeddedness within the curriculum and then you transform it to the university, the whole purpose of Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship at Kurangi Creek is to enable students that once they enter, they should be able to breathe life, hope and opportunity. And then the different departments and functions should enable young people that look, these are your pedagogical curriculum and content driven knowledge, but these are your skills and these are your values. Absolutely. So MIT is all about a holistic combination of knowledge, skills and values to help make Pakistan
ग्रेट कंट्री, अ प्रोग्रेसिव कंट्री. थैंक यू सो मच. हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फैसल मुश्ताक, तमगा इम्तियाज, एंड ऑफ कोर्स अ ग्रेट एडिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, दैट इज द मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. यू कैन गेट ऑल डिटेल्स ऑन देयर फेसबुक एंड सोशल मीडिया पेजेस एंड ऑल्सो देयर वेबसाइट. बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मौजूद होने के लिए हमारे साथ. बड़ा अहम है जी, इट्स जस्ट नॉट एक्वायरिंग नॉलेज बट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज दैट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस एंड गेट यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स यू वांट इन लाइफ. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक.